स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले लेक्चर में सीखा था ई की मात्रा वाले शब्द, तो ई की मात्रा वाले शब्द कैसे बनते हैं? ड, सॉरी, ड, ई की मात्रा, ल, य, आ की मात्रा से क्या बना? ड, ली। ये जो मात्रा है वो क्या होती है? आगे वाले शब्द को मिलती है। डली, य और ये आ क्या हुआ? या, डलिया। ओके, ध, नी, आ, ध, ये मात्रा गई आगे वाले शब्द को, मतलब क्या बना? धनी। य और आ हुआ या, धनिया। तो ये क्या थे? ई की मात्रा वाले शब्द। तो आज हम सीखेंगे ई की मात्रा वाले वाक्य। हिंदी प्रवेशिका से पेज नंबर 17, वाटिका। रीम, झीम, र को क्या मिला? पहली की मात्रा से क्या बना? री, म, झी, म, री, म, झी, म, पा, री, श, आ, ई, दी, न, नी, क, र, आया, निशा, सितार, बजा, सरिता, गिटार, बजा, विनय, एक, डाकिया था, विशाल, निशा का मित्र था, विशाल किशमिश खाता था, सरिता वाटिका तक चल, चिड़िया मत पकड़। तो ये सारे शब्द कैसे बने हैं? ई की मात्रा से। तो आपको क्या करना है, ये जो है आपको ये जो वाक्य दिए गए हैं इनको जोर से समझ के पढ़ना है। ओके, और इसकी वीडियो मुझे सेंड कर दो। कैसे? मतलब ये आप पढ़ोगे और उसकी वीडियो बनाओगे, ठीक है? तो वीडियो बनाओ और मुझे सेंड करो। पेज नंबर 18 दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब आपको ये जो चित्र दिए गए हैं, ये जो पिक्चर्स है, उनको पहचानना है और उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो ये किसका चित्र है? कोरिएंडर, मतलब धनिया का। ये क्या है? कोकोनट। कोकोनट को क्या कहते हैं? नारियल। तो यहाँ पे आपको नारियल लिखना है। ये क्या है? पिलो। पिलो को क्या कहते हैं? तकिया। तो उसको आपका नाम यहाँ पे लिखना है। देन है हिरन, डाकिया और सितार। तो ये जो शब्द है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो ये शब्द लिखो और ये पढ़ो और इसकी वीडियो मुझे सेंड करो। ओके, आहिस्ते आहिस्ते ही बोलना है। जैसे रीम, झीम, रीम, झीम, बारिश आई, ऐसे पढ़ो। फास्ट बोलने की जरूरत नहीं है, स्लोली स्लोली इसको पढ़ के मुझे सेंड करो। ओके, थैंक यू।